हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम RGB LED को आर्डिनो से कंट्रोल कर सकते हैं और क्या है RGB LED। जानेंगे कि कैसे PW पिन का यूज़ करके हम अलग अलग तरह के कलर्स RGB LED से बना सकते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए बने रहें वीडियो के आखिर तक। मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं प्रोकैम एक्सप्लेन्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, मैंने टिंकरकैड ओपन कर लिया है, तो मैं टिंकरकैड की हेल्प से आपको ये सब समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं RGB LED। तो हमारे पास जो RGB LED है वो ये रही है, मैं आपको इसको क्लोजर लुक दिखाऊंगा। तो RGB LED एक इस तरह की LED होती है जो बहुत अलग अलग तरह के कलर्स बना सकती है। इसमें जनरली तीन बेसिक कलर होते हैं जिसे आप इसके नाम से ही जान सकते हैं, RGB, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू। तो इसमें जो ये दो तीनों कलर इसमें मिक्स होते हैं, हम उन तीनों कलर को कंट्रोल करके अलग अलग तरह तरह के कलर्स बना सकते हैं। इसमें तीनों ही कलर्स के लिए अलग अलग जो है लेग्स होती है। ये इसमें टोटल चार लेग्स होती हैं इसमें। एक इसमें ग्राउंड होती है जिसे या तो वो एनोड होगा या तो कैथोड। एनोड का मतलब या तो पॉजिटिव एंड होगा या तो वो नेगेटिव एंड होगा। जो नेगेटिव एंड होता है वो हमारा कैथोड होता है। तो बाकी जो इसकी तीन लेग बची वो रेड, ग्रीन और ब्लू इस तरह से डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, तो आइए इसका सर्किट बना लेते हैं। अब तो हमने जैसे कि आर्डिनो ले रखा है यहाँ पर ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। मैं ये जो सर्किट अभी बनाने जा रहा हूँ ये मैं बिना ब्रेडबोर्ड के बना रहा हूँ, ताकि जो ब्रेडबोर्ड जिनको यूज़ करना नहीं आता वो भी इसको अच्छे से समझ सके। तो मैंने क्या करा है यहाँ पर, मैंने जो इसका ग्राउंड है, जो मेरा वाला कैथोड वाली LED है, तो कॉमन कैथोड है इसमें, तो उससे मैंने एक 1 kΩ का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, रजिस्टर को मुझे अपना जो हमारा ग्राउंड है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। ग्राउंड के साथ कनेक्ट करने के बाद हमारे पास जो रेस्ट लेग्स बचती है, मतलब जो रेड बची है हमारे पास, उसे मैं डाल रहा हूँ 3 में। आप कोई सा भी पिन चूज कर सकते हैं, मैं यहाँ पर 3, 5 और 6 यूज़ कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ सोच समझ के पिन्स ली हैं, मैं आपको इसके जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसमें उस टाइम आपको बताऊंगा कि ये मैंने पिन्स ये वाली ही क्यों नहीं है। ओके, तो मैं इनके कलर्स भी कर देता हूँ। जो मेरी ये वाली है ये रेड रहेगी, ये वाली मेरी ब्लू रहेगी, ये वाली ब्लू है और ये वाली हमारी ग्रीन रहेगी। तो हमारी यहाँ पर जो सर्किट बिल्कुल रेडी हो चुका है। आइए इसके प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसे पहले पिछली वाली वीडियो में करा था, अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है जो कि LED किस तरह से हम कंट्रोल करते हैं आर्डिनो से, तो आप ऊपर आई बटन की तरफ आप देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो फ्लैश हो रही होगी, आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। जिन्होंने देखी है उनके लिए कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले जैसे हमने पिछली वाली वीडियो में यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने LEDs को यहाँ पर सेट किया था। किस तरह से करते हैं, पिन मोड डबल ब्रैकेट लगाएंगे और एक सेमी कॉलन से इसको क्लोज कर देंगे ताकि हमें कंप्लीशन कोई एरर ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पिन मोड हमने कौन सा ले रखा है, 3, कौन सी वाली है, आउटपुट रख लिया। और इसी तरह से हम बाकी को, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। हमने लिया है 3, 5 और 6, तो ये 3 पिन्स हमने ले रखी हैं। तो अब हम आएंगे अपने जो है वाइड लूप की तरफ, जहां पर हमें अपना मेन प्रोग्राम रन करना है। तो डिजिटल राइट, यहां पर हमने जैसे पहले भी किया था 3 हाई, और इसको ले लेते हैं इधर कंट्रोल सी करके V. अब ये थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्यों अलग होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए,
अगर मैं RGB, पहले मैं क्या करता हूँ, 3 को जो फर्स्ट है हमारा, 3 वाली हमारी है मेरे ख्याल से, जो हमारा 3 वाला है वो है रेड। तो अगर हमें रेड जलाना है तो हम सिर्फ रेड को ही हाई करेंगे, तो बाकी को यहाँ पर लो कर देते हैं। इसको भी लो कर देता हूँ, 6 को भी लो कर देता हूँ, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि कौन सी जो कलर है वो यहाँ पर फ्लैश हो रहा है। एक बार स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर रेड कलर फ्लैश हो रहा है। तो हमें रेड कलर नहीं, हमें इस तीनों कलर चेक करने हैं, तो हम बाकी का भी इसमें ऐड करते हैं। कंट्रोल सी, सेम प्रोसेस मैं पेस्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं डबल ब्लैक स्लैश से, आप यहाँ पर RED कि ये रेड वाला। इस तरह से हम कमेंट करते हैं। कमेंट एक कोडिंग में, कोडिंग लैंग्वेज में कमेंट बहुत ज़रूरी होते हैं। वो आपको कोड रीड करने में, बाद में अगर आपको कभी कोड एडिट करना है या रीड करना है तो उसमें हेल्प करते हैं। तो बैक स्लैश डबल लगाएंगे और कलर का नाम लिखेंगे। ये हमारा ब्लू है, अभी ब्लू बना नहीं है, इसको ब्लू बनाते हैं। हाई लो, ठीक है। तो इस तरह से एक और यहाँ पर एंटर करके पेस्ट कर देते हैं और इसे भी लो हाँ, ठीक है। तो ये हमारा एक पर्टिकुलर प्रोग्राम हो गया है। तो इसको बैक स्लैश करके इसका नाम है ग्रीन। तो लेट्स सी कि ये चल रहा है कि नहीं। तो देखिए, ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू रेड, हमारे पास सारे कलर्स आ रहे हैं यहाँ पर, ग्रीन रेड ब्लू, ग्रीन रेड ब्लू, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको अलग अलग तरह से, इसमें अगर हमें कलर मिक्स करने हैं, अभी हम सिर्फ इसमें कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। अभी के लिए मैं यहां पर, अभी इस प्रोग्राम के लिए मैं आपको यहां पर आपको जो प्रॉपर हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन है दूसरे सर्किट के थ्रू दिखाता हूँ। ये हमारे पास सेम तरह की LED लगी है, इसको अगर हम सिमुलेट करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप हमारे पास कितने तरह के कलर्स आ रहे हैं, येलो, वाइट, स्काई ब्लू, वॉयलेट और पर्पल टाइप, ठीक है। तो इतने आ रहे हैं, तो हम इसमें मैक्सिमम कितने कलर्स बना सकते हैं। ये देखो, मैंने इसका भी एक प्रोग्राम करके रखा है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कितने कलर्स हम यहाँ बना सकते हैं। एक तो हमारा, देखो हमारे पास 3 ऑप्शन है सिर्फ कलर चेक करने के लिए। तो यहाँ पर हम या तो हम एक को ही लो कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, पहला हाई, फिर दूसरा हाई, फिर तीसरा हाई कर रखा है, उसके बाद कोई 2 हाई कर रखे हैं, 1 लो कर रखा है, सारे हाई कर रखे हैं वाइट बनेगा, 2 लो कर रखे हैं तो यहाँ पर स्काई ब्लू बन रहा है, पिंक या वॉयलेट बन रहा है हमारा, 3 और 5 को हाई करेगा। बट उसके बाद हमारे पास जो है फंक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उससे कैसे अब बचे, हमें और भी ज़्यादा कलर्स निकालने हैं, तो हम किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि कई हमें कम येलो लगाना है, क्योंकि हमारे रेड ग्रीन और ब्लू जो कलर है वो मेजर कलर्स हैं, हम इन्हीं को ही मिक्स करके, जो पेंटिंग करते होंगे लोग उन्हें पता रहेगा, इन्हीं को मिक्स करके हम बनाते हैं एक अलग अलग तरह के कलर्स, वो शेड्स अलग अलग हो जाते हैं। तो वो इस प्रोग्रामिंग से तो नहीं होगा, जो डिजिटल राइट हम हाई लो करते हैं, तो इससे नहीं होगा। उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा PWM वाली प्रोग्रामिंग में। देखो, हमने सर्किट सेम बनाया है यहाँ पर, मैंने थोड़े से इसके पोर्ट्स चेंज कर दिए हैं, पर वो मैटर नहीं करता यहाँ पर। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास int, जो अब इस प्रोग्राम को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, इसको खोल लेते हैं पहले अच्छे से, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, ये जो चीज़ है ये एक अलग तरह का फंक्शन है, इसे हम क्या बोलते हैं, हमने यहाँ पर वेरिएबल बना दिए हैं। जो हमने 9, 10 और 11 यहाँ पर पिन ले रखी है, हमने उसे int वेरिएबल, हमने यहाँ पर इंटीजर लिया है, इंटीजर वेरिएबल लिया है, और इसका नाम जो 9 पिन है उसको नाम दे दिया हमने रेड। तो इसका फॉर्मेट जो होता है वो इस तरह से होता है, इंट आपका वेरिएबल का नेम, जो भी आपने इसका नेम रखना है पिन का, आप यहाँ पर रखिए और उसे बता दीजिए कौन सी पिन में है। उसी तरह से हमने ब्लू का भी रखा है नंबर 10 पे, ग्रीन का भी हमने 11 पे रखा है। कोड आपको मैं दे दूंगा, आप वहां से इसको कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद व्हाइट सेटअप में हम ये बताएंगे कि हमारे जो पिन्स हैं
वो आउटपुट है या इनपुट है। आउटपुट मतलब वो पावर दे रही हैं या पावर ले रही हैं। तो हमारी जो पिन्स हैं वो पावर दे रही हैं क्योंकि इनको एलईडी जलानी है, तो जलाने के लिए पावर देनी पड़ती है, तो ये आउटपुट रहेगा। आउटपुट के बाद हम जाएंगे वाइड लूप में। तो लूप में क्या हो रखा है, यहाँ पर हमने एक फंक्शन रन किया है, आप देख सकते हैं वाइड लूप के अंदर यहाँ पर कुछ लिखा है सेट कलर ब्रैकेट में 255 255 255। तो ये क्या चीज़ है, उसके बाद डिले दे रखा है, फिर हमने वैसे कर रखा है। तो आप देखेंगे तो ये सेम ही चीज़ है इस कोडिंग की तरह, पर इसमें जो कोडिंग हमें ज़्यादा बड़ी करनी पड़ रही है, कितनी LEDs हैं यहाँ पर, तीन लाइंस लिखी हैं हमने, उधर हमारे पास सिर्फ तीन नंबर्स हैं अंदर, तो प्रोग्रामिंग यहाँ पर छोटी हो गई। हमने यहाँ पर बेसिकली क्या कर रखा है, हम यहाँ पर जो है Arduino का PWM पिन्स यूज़ कर रहे हैं। PWM पिन्स क्या होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन को हम किस तरह से समझेंगे, जैसे कि हमारे पास जो होता है एलईडी होती है, उसमें हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, 0 और 1। तो 0 और 1 का क्या मतलब होता है, ऑन या ऑफ, ठीक है। अगर पावर आ रही है तो ऑन है, पावर नहीं आ रही तो ऑफ है। तो 0 और 1 के बीच में कितना वोल्टेज का डिफरेंस होता है, 5 वोल्ट का डिफरेंस होता है Arduino में, ठीक है। तो 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग जो 0 से लेकर 5 जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होती है, उन पिन्स के आगे कुछ इस तरह का सिंबल बना होता है, ये सारी PWM पिन्स हैं। यहाँ पर हम सिर्फ डिजिटल सिग्नल नहीं दे सकते, मतलब डिजिटल, बाकी की पिन्स में सिर्फ 0 मतलब ऑन और ऑफ दो ही काम कर सकते हैं। PWM पिन में हम क्या कर सकते हैं, उन्हें हम वैल्यूज, हम उन 0 और 1 के बीच में डिवाइड कर सकते हैं पावर को, जैसे 0 से 0.1 0.2 3, 4, 5, 255 हम सेपरेशंस इसके कर सकते हैं, तभी यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू है मैंने कोड में लिखी है 255। तो अब क्या करेंगे हम इसको, यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया है सेट कलर, और इसको मैंने यहाँ पर वाइड सेट कलर से स्पेसिफाई करा है। वो मैंने बाहर इन कॉलम्स के बाहर, मैं वाइड लूप के बाहर एक अलग फंक्शन है वाइड सेट कलर। तो इस फंक्शन में मैंने क्या किया है, इंटीजर लिया है एक और वेरिएबल बनाए हैं यहाँ पर मैंने, रेड वैल्यू इंटीजर, ब्लू वैल्यू इंटीजर, ग्रीन वैल्यू। उसके बाद कॉलम्स हमने ब्रैकेट लगाकर करली ब्रैकेट लगाकर यहाँ पर लिखा है एनालॉग राइट। पहले हम क्या कर रहे थे, डिजिटल राइट। डिजिटल राइट का मतलब है 0 1, एनालॉग राइट का मतलब है 0 1 के बीच की वैल्यू, 0 से लेकर 255 तक वैल्यू रहती है जिसमें। तो यहाँ पर जो रेड वैल्यू है, जो रेड पिन है हमारी, देखो रेड पिन में कौन सी वैल्यू जाए, रेड वैल्यू जाए, ठीक है। और एनालॉग डिजिटल राइट ब्लू, मतलब ब्लू में कौन सी वैल्यू जाए, ब्लू वैल्यू जाए। अब ये किस तरह से फंक्शन कर रहा है, ये जो चीज़ है ये हमारा ये वैल्यूज है, ठीक है। तो जब भी सेट कलर मैं कहीं पर भी वाइड लूप के अंदर डालूंगा, उसके आगे मेरे पास ये ब्रैकेट रहेगा, ब्रैकेट के अंदर लिखी रहेगी वैल्यूज उस पर्टिकुलर पिन को, मतलब पिन नंबर 9 को मैं कौन सी वैल्यू दे रहा हूँ, 255 255 255। इस तरह से मैं बहुत सारी दे सकता हूँ यहाँ पर, जैसे अगर मैं यहाँ से सेट कलर, तो मैं यहाँ पर बहुत बारीक चेंजेस भी ला सकता हूँ। 0 to 255 को मैं यहाँ कर देता हूँ 100, और इसे देते हैं 100, इसे देते हैं 100। तो अब चेक करते हैं ये किस तरह से वर्क कर रहा है। तो ये प्रोग्रामिंग हमारी इस तरह से है, आप चेक कर सकते हैं, मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम जस्ट प्रोग्रामिंग वर्किंग पे देखते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। ये देखिए, वाइट येलो ब्लू, और देखो ये थोड़ा सा अलग कलर आया है हमारा, हल्का सा येलो कलर आया है लास्ट में, ये देखिए। तो ये जो येलो कलर है हल्का सा, इसको मैं थोड़ा सा डिले ज्यादा देता हूँ, डिले देते हैं इसको 5 सेकेंड का, ताकि हम इसको अच्छे से देख सके कि कौन सा कलर है, और उसी कलर को हम यहाँ पर चेंज करेंगे बार बार, ये देखिए। तो जो लास्ट में जिस कलर पे फिक्स रहेगा ये वाला है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डिले रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हम इन वैल्यूज को चेंज करते हैं, इसको मैं कर देता हूँ 0, इसे कर देता हूँ 0, यहाँ कर देता हूँ मैं 150। अब देखते हैं क्या कलर आ रहा है हमारे पास, वाइट येलो पर्पल पिंक, ठीक है।
यहाँ पर अब मैं दूसरा वाला उस पर डालता हूँ। अब 150 मैं यहाँ इसमें भी यहाँ पर हम डालते हैं 100। अब चेक करते हैं क्या कलर आ रहा है, जो पर्पल था लास्ट कलर पर्पल है हमारा। अब वो ब्लू में चेंज हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आप जो है कलर चेंज कर सकते हो। अब हम चलते हैं अपने ऑफलाइन मोड पे, जहां पर आप ये चेक कर सकते हो कि वो रियलिटी में किस तरह से दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको ले चलता हूँ हमारे ऑफलाइन प्रोजेक्ट पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है हमारी RGB LED। रियलिटी में ये इस तरह से दिखाई देती है। इसकी पिन्स जो होती है वो 4 पिन्स होती हैं। जो इसकी सबसे लंबी वाली पिन होती है वो हमारी ग्राउंड पिन रहती है। जैसे कि जिस टाइप की जो LED रहेगी, जैसे कि कॉमन कैथोड या कॉमन एनोड रहेगा, वो इसका यहीं पर रहेगा। कॉमन कैथोड मीन्स ये नेगेटिव टर्मिनल रहेगा और कॉमन एनोड मीन्स ये पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा। बाकी ये वाली हमारी रहेगी रेड, ये वाली हमारी ग्रीन और ये वाली हमारी ब्लू। इस तरह से ये डिफरेंशिएट यहाँ पर की जाएगी। तो हमारा सर्किट रेडी हो चुका है। इस तरह की आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दोनों RGB LEDs लगी हुई हैं। एक मैं आपको दिखाऊंगा जो ये वाली है हमारे पास, ये वाली वर्क करेंगी हमारी नॉर्मल डिजिटल पिन के हिसाब से, ये वर्क करेगी हमारी PW पिन के हिसाब से। तो चलें और इसको चेक करते हैं किस तरह से वर्क कर रही है, जैसे मैं प्रोग्राम करता हूँ। तो हमारा प्रोग्राम हो चुका है, मैं इसको जस्ट पावर करने वाला हूँ। जैसे ही पावर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो डिजिटल पिन है वो हमारे पर्टिकुलर कलर्स यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है। आप देख सकते हैं इसको अच्छे से। तो अब हम चलते हैं अपने PWM सर्किट प्रोग्रामिंग की तरफ, जिसमें हमारी दूसरी वाली LED ग्लो हुई, तो वो भी करके देख लेते हैं। तो हमारा सेकंड प्रोग्राम भी रेडी है, PW पिन वाला प्रोग्राम, तो आप उसे भी चेक करके देख सकते हैं। मैंने इसको वर्क पावर कर दिया है और वो हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो जैसे कि हमने जाना कि PW पिन और हम डिजिटल पिन से हम RGB LED को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं Arduino की हेल्प से, और हमने जाना कि क्या डिफरेंस है PW पिन प्रोग्रामिंग में और नॉर्मल डिजिटल पिन प्रोग्रामिंग में। डिजिटल पिन प्रोग्रामिंग में हम ज़्यादा कलर प्रोडक्शन नहीं करवा सकते RGB LED से, बट हम PW पिन जो हमारे पास पिन्स होती हैं वहाँ से हम मल्टीपल बहुत सारे कलर रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो के लिए रखते हैं इतना ही। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कोई नया सुझाव या विचार हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमें हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, पिंट्रस्ट, ट्विटर और ब्लॉग स्पॉट पे भी हमें ProCamp Social के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू ProCamp Explained।